भारतीय अरबपति गौतम अडानी पिछले सप्ताह हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अपने कॉर्पोरेट जीवन के सबसे बुरे संकट से जूझ रहे हैं। दरअसल हिडनबर्ग ने बीते हफ्ते में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी ने कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला किया है। उसने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड समेत दूसरे चीजों का आरोप लगाया। अब इन सब के बाद गौतम अडानी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल अडानी समूह का मूल अब आधा हो गया है और स्टॉक में गिरावट के कारण 120 बिलियन का नुकसान हुआ है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट खुले तौर पर आने के बाद अब तक दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी के नेटवर्थ को बड़ा झटका लगा है। जहां कुछ समय पहले तक वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर काबिज थे, अब वो टॉप 20 में भी नहीं है। आपको बता दें, 24 जनवरी को हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी की समूह कंपनियों ने अपना संयुक्त बाजार मूल्य लगभग आधा खो दिया है। अडानी इंटरप्राइजेस को बाजार में 26 बिलियन का नुकसान हुआ है। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में गुरुवार को 27% की गिरावट आई, जो मार्च 2022 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। उथल पुथल ने न केवल अडानी समूह के शेयरों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उन बैंकों को भी प्रभावित कर रहा है जिन्होंने कंपनियों को लोन दिया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद से भारतीय स्टेट बैंक 11% टूट चुका है। ब्लूमबर्ग की यहां पर एक रिपोर्ट बताती है कि विदेशी संस्था जितने भी वहां पर निवेशक थे, वो 27 जनवरी से 31 जनवरी तक भारत के शेयर बाजार से $2 मिलियन निकाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।